किसी शायर की गजल ढेंगा, किसी झील का कंवल ढेंगा। टूटा है मुझको जीत के मैं तो गई हार, ओ बेवफा तू ही बता। बस मैं आपको बेवफा कह ही नहीं सकती, ना मेरी ऐसी औकात है और ना ही मैं ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकाल सकती हूँ। ये तो मीरा जी की फ़िल्म का गाना था तो मैंने गा लिया, वरना आपको ख़ुद पता है कि आप इतने प्यारे हैं कि मैं आपको कभी भी बेवफा नहीं बोल सकती। मेरी इतनी प्यारी प्यारी दोस्त हैं। तो वक्त हुआ चाहता है जिसकी मैं इतनी तारीफ़ करी थी कि इस जोड़े को किसने डिज़ाइन किया है, किसने बनाया है, और पिछले दो दिन से जिनके मैं जोड़े पहन रही हूँ वो कौन हैं। मिल तो चुके हैं वैसे आप मेरे प्रोग्राम में उनसे, मगर बार बार जो है दिल करता है मैं उनको बुलाऊँ, उनसे बात करूँ, क्योंकि मुझे बहुत मेल्स आती हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं। आज फोकस हम कर रहे हैं मीरा जी के ऊपर, तो मीरा जी के ऊपर ही बात करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे। और आ चुके हैं हमारे पास, अब दावत देना चाहूँगी, ये जो मंच कहती हूँ मैं, इस मंच पे दावत देना चाहूँगी हमारे और आपके प्यारे से रजा शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक। इधर आइए, इधर। स्कूल की क्लास नहीं है जो लग गई और आप सीधा सीधा जाके जो है ना वहाँ पे बेंच पे बैठ जाएंगे। कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, इतने सारे गाने सुनाए, आप फिर सुना दूं? फिर सुनाएं। सोचो कि पहले तुम्हें फंसा दिया और तुम्हें गाना गाला पड़ गया, फिर क्या नहीं, करोगे? नहीं ना, आपकी आवाज़ जबरदस्त है। माफ करो, माफ करो। आज इतना खूबसूरत जोड़ा जो डिजाइन कर दिया है, खड़े होना था ना इसलिए, मेरे साथ खड़े होना था। और ये जो मीरा जी का लुक एक दिया है कि जिस तरह से वो फ्रॉक्स वगैरह पहनती है और एक पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, जरा इसके बारे में तो एलैबोरेट कीजिए ना अपने फैंस को। जी, मीरा का जो होता है अक्सर वो हैवी ड्रेसेस ही कैरी करती हैं, और आजकल चल रहे हैं पैनल्स वाले फ्रॉक्स वगैरह चल रहे हैं, और इसी तरह ही वो लेटेस्ट उनके जो भी शोज़ वगैरह वो कर रही हैं इसी तरह ही वो पहन रही हैं, और हमने फिज़ा को भी उनका ही थोड़ा सा कोशिश की है कि वो वाला टच दिया जाए, है ना? जी, तो ये ड्रेस स्टाइल तो बड़ा मजे का हो गया। बैठिए जरा, बैठ के फिर बातों को मजीद इलैबोरेट करते हैं। मीरा जी कितनी प्यारी लगती हैं? अच्छा, वैसे आप सवाल पूछ सकते थे किसको किसको रह गया ना, रह गया। मगर आपको मीरा जी कैसी लगती? मीरा जी अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा उनका ये मीरा जी को पता है? I don't know. कौन बनेगा मीरा का वो उसमें आप भी शामिल होते? नहीं, वो एक सेपरेट इशू है, वो उस इशू में नहीं, बिल्कुल नहीं, बस प्यारी लगती है ना, अच्छी एक्ट्रेस है। अभी हम इसका सबूत लेते हैं, एक कॉल भी है, जरा साथ पहले वो ले लूं। जी जी, जरूर। कराची से समरीन, अस्सलाम वालेकुम समरीन। अस्सलाम वालेकुम समरीन, आई एम सो सॉरी समरीन, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। एनीवे, आप कॉल करिएगा तो फिर मैं आपको मज़ीद बातों की जो है एलैबोरेट करूँगी बातें। अच्छा जी, नॉर्मली आप जैसे तो आपका ब्रांड है माशाल्लाह से, आप काम करें, कपड़े डिज़ाइन भी करें, इसके अलावा एक हॉस्पिटल आपने जो है डिज़ाइन किया, उसका इंटीरियर पूरा किया है। जी, अभी उसकी ओपनिंग है संडे को, और बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि मैंने आपको भी इनवाइट किया, आपने भी जरूर आना है। लवली जी, और मैं मीरा जी को भी बोलूँगी, मीरा जी की शूटिंग्स करें, वो हॉस्पिटल कम, और मतलब आप सोचें कि पेशेंट जब आएगा तो वो बड़ा कंफर्ट फील करेगा, बड़ा मतलब एक होता है कि कॉन्सेप्ट बना हुआ हॉस्पिटल्स का कि एक आप ऑलरेडी पेशेंट इतना डिस्टर्ब होता है, तो अब हॉस्पिटल्स में भी हम एक डिफरेंट उसको कर रहे हैं इंटीरियर उसका, कि आपको मतलब आप आए तो थोड़ा आपको कंफर्ट लेवल भी लगे, और ये ना हो कि आप और बीमार हो जाएं हॉस्पिटल को देख कर ही। लवली, एक और कॉल है शहनाज की, कराची से लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। वालेकुम अस्सलाम फिजा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र शहनाज, खैर ऑफिस से, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, काफी दिनों से ट्राई कर रही थी तुम्हारे प्रोग्राम में, मगर मेरी कॉल ही नहीं लग रही थी, आज इतनी मुश्किल से कॉल मिली है मेरी। मुझे सीरियसली माफ कर देना, पता है इतनी कॉल्स होती हैं, वो होल्ड पे भी होती हैं, मुझसे बहुत लोग नाराज हैं, बट मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे प्रोग्राम में शामिल हो गई हो, अब तुम मुझे कॉल करोगी इजीली, और मैं तुम्हारी जो है ना कॉल्स खुद भी लिया करूंगी, हैं? ओके, इट्स ओके, हो जाता है यार, ज़ाहिर है इतना फेमस प्रोग्राम होता है तो कॉल्स का तो तांता बंधा हुआ होगा एक के पीछे एक, तो हो जाता है, समझना नहीं। फेमस बनाया है आपने, फेमस बनाया है इतने से कम वक्त में,
एक महीने दो महीने के टाइम पे मेरा प्रोग्राम रजिस्टर्ड है। यार और मतलब आप लोग प्यार से तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगी जी। जो तुम बोलती हो ना, मतलब ये नहीं लगता कि तुम यहाँ पर खड़े होके कोई होस्टिंग कर रही हो, कंपेयरिंग। बिल्कुल हमें ऐसा फील होता है जैसे सामने हम लोग घर की तरह जैसे बात कर रहे होते हैं ना, हर तरह के टॉपिक पे, इशू पे ओपनली बात कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी तुम्हारी होस्टिंग है, बहुत जबरदस्त। तो मैं आपकी फैमिली का ही तो हिस्सा हूँ, मैं आपके लिए आती हूँ रोज सुबह सुबह। एक मेहनत होती है कि सुबह मुझे पहनना क्या है, मुझे गाना क्या है, मुझे टॉपिक क्या करना है, मुझे मैसेजेस क्या करने हैं। आप तो मेरी फैमिली हैं। मैं सिर्फ ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे कुछ सीखूँ, आप मुझसे कुछ सीख लें, हम लोग एक दूसरे से जो है प्यार बांटें और कुछ सीखे हाँ। सिखाए, सिंपल सी बात है ना। हाँ बिल्कुल। और मैं ना आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। जी मेरी जान बिल्कुल। मीरा का जो रियल नेम है वो इर्तिजा रुबाब है। ओए, ओए, अच्छा। और दूसरा सवाल मैंने जो एक और किया था, ऐसी क्या चीज है जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले कंटिन्यूटी में किया करती थी मगर मैंने छोड़ दिया है दो दिन से। यार वो उसका तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा एक्सेस सुबह में लाइट नहीं होती थी, तो बहुत कम मैंने तुम्हारे शोज देखे हैं, सॉरी, मगर लाइट वालों का प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये आज पूरे प्रोग्राम में आप देखोगे जरूर, और इसका भी जवाब मुझे चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले करती हूँ, वो मैं एंड में जो है आपका गिफ्ट भी अनाउंस करूंगी। कोई सॉन्ग वगैरह, कोई सॉन्ग होगा जहाँ तक मुझे आईडिया, कोई सॉन्ग गाती होंगी, सॉन्ग गाती होंगी क्योंकि आपको ना गाने का बड़ा शौक है और आवाज भी बड़ी अच्छी, तो मेरे ख्याल में शायद आप गाना गा के ब्रेक पे जाती होंगी। प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत खुश रहो। नंबर तो लकी ड्रॉ में डालिएगा नाम। बिल्कुल, मैं मैंने आपका नाम लकी ड्रॉ में डाल दिया है और प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी जरूर। लव यू मेरी जान। स्मीश कॉल, हेलो। पता चल गया, देखिए पता चल गया। अच्छा मैं आपसे नहीं पूछूंगी, आपको तो पता है मैं ब्रेक पे जाने से पहले क्या करती हूं। मुझे तो पता है और बहुत फेमस है वो चीज। आप अल्लाह, इतनी फेमस है कि मैंने वो बता दिया ना, तो वो तो फिर तो नहीं, वो पता है सबको, सबको पता है, सबको पता है। आज जरा तरीके से मैं इसी का जो है ना सवाल आज घुमाऊंगी और फिर दोबारा स्टार्ट करें, दोबारा स्टार्ट करें। दो दिन से नहीं क्या सोचो? नहीं, वो एक जवाब देना ही पड़ जाए क्या मुझे? मेरे डायरेक्टर मुझे कहता तुम बुलक्कड़ और हो, तो दो दिन से मैंने तुम्हें नहीं कहा ना, इसलिए नहीं भूल गई है। नहीं, वो तो आपका स्टाइल एक जबरदस्त, वो एक लगता है ब्रेक का बड़ा पॉपुलर हो गया हुआ, वो तो वो हम लोग मिस कर रहे थे, वो करना चाहिए, मिस कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताइए मीरा जी की क्या कंटिन्यूटी है जो वो स्पेशली करती हैं, नो मैटर हर हाल में कुछ करती हैं, मतलब कोई एक कंटिन्यूटी होती है ना, फेस में होती है, फीचर्स में होती है, पाउच बना लेना, बाजी बोल देना, कुछ ना कुछ तो क्या करती है? इतना मुझे आइडिया नहीं है उनका। बहरहाल ये कि मैं तो ड्रेस के हवाले से उनके बात करूंगा, या शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस और कपड़े बहुत अच्छे, कपड़े अच्छा कैरी करती हैं, इंडियन वेस्टर्न, इनकी इनकी बॉलीवुड की फिल्म्स देखी आपने? बॉलीवुड की देखी थी मैंने, नजर नजर देखी, अच्छा काम किया था। ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा लगा आपको? ड्रेसिंग अच्छा था, मतलब और अच्छा हो सकता था, और अच्छी लग सकती थी वो, और अच्छी लग सकती। रजा शाह के पास नहीं आई ना? वैसे आपको ना वो तरीके पता है कि लड़की के फिगर पे किस तरह के कपड़े फिट आएंगे, वल्गर भी ना लगे, खूबसूरत भी लगे लड़की, तो ये तरीके आपको बड़े वक्त के साथ साथ अब सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस जितना हो जाए उतना फिर आप। आपकी फैमिली में कोई है आपको हेल्प करने वाला? मदर, मेरी मदर और सिस्टर ने स्टार्ट किया था और दोनों हेल्प करती हैं। हाँ। सबा नाम है बहन का मेरी, माशाल्लाह। हाँ, वो बड़ी हेल्प करती हैं और सारी फैमिली, फादर भी आपकी जैसी खूबसूरत है। आप बहुत प्यारे से, आपको पता ही नहीं, इतने मासूम से, और मुझे ना आपको देख के वैसे अपना स्कूल का वक्त याद आ जाता है। जिस तरह से आप ड्रेस्ड अप होते हैं, जिस तरह से आपके शूज, यू कैन सी यू नो लाइक वेरी क्लीन, और जिस तरह नीट स्टाइल से आप एक यू नो कैरी करते हैं अपने आप को, मुझे तो बहुत ज़्यादा अपना स्कूल याद आता है, वेरी सोफिस्टिकेटेड स्कूल। ये अब तो आपको पता है ट्रेंड्स वो स्कूल वाले ही आ गए। हाँ, मतलब वही जो बचपन में हमारे जूते होते थे कलरफुल से, अब वही चीजें दोबारा से बड़ों में आ गई हैं, है ना, तो ट्रेंड्स वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। अच्छा, आपको अगर पूछा जाए कि मीरा जी की शादी किससे होनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, अगर हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, मोहम्मद आने तो शादी कर ली, शान ने भी शादी कर ली, बाबर अली की शादी भी नहीं कर ली, ऑलमोस्ट सब मैरिड हैं, सब मैरिड हैं। तो अब जो अपकमिंग साउथ की भी होगी, साउथ की भी होगी अपकमिंग का, नो आईडिया अपकमिंग में। हाँ, मुझे भी कुछ, मुझे भी कोई आईडिया नहीं है। फवाद की भी शादी होगी, फवाद की भी होगी, सबकी होगी, सबकी होगी, आपने नहीं की है? मैं मैरिड यही खुलवाना चाह रही थी, मैं यही बात उखलवाना चाह रही थी। आपको पता है इतना लोग टेंशन में आ जाते हैं ये बात बोलते हुए कि मैं जो हूँ, मतलब यू नो आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी की बात ना करें ना करें। आप माशाल्लाह से देखें कितना हैप्पीली इस चीज़ को बता रहे हैं। ये तो कॉन्सेप्ट्स बदल गए हैं अब, तो मेरा ख्याल में आपको इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं होती, तो अच्छी खुशी की बात। जी,
हैप्पीली मैरिड, मेरा बेटा है एक माशाल्लाह। वाओ जी, नेक्स्ट टाइम मैं उसको लेके आऊंगा आपका शो, जरा यहाँ पे सारा घूमेगा तो मुझे खास मिलवाना है आपने। जी जी जरूर। क्या नाम है बेटे का? रायान। रायान, और रायान का क्या मतलब? रायान रजा। क्या मतलब? जन्नत का दरवाजा। जन्नत का दरवाजा, रायान। यस यस यस, रायान जन्नत का दरवाजा, क्या बात है। इतने खूबसूरत नाम के साथ जो है रायान रजा, रायान रजा, बहुत प्यारा नाम है। मतलब आर से रायान, आर से रजा, खूबसूरत अब्बू जी, खूबसूरत जो है फैमिली माशाल्लाह से। देखें अब ये है कि वक्त हुआ चाहता है कि अब मैं आप लोगों को ब्रेक पे भेजूं, और ब्रेक के लिए मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कंटिन्यूटी में करती हूँ, कंटिन्यूसली करती हूँ जब जब ब्रेक पे भेजती हूँ, तो उसका भी आपने जवाब देना है। और मीरा जी का असल नाम दोबारा जो जो और मेरी कॉलर्स हैं वो मुझे बताएं। अब मैं प्रोग्राम के आखिर में करके बताऊंगी कि मैं क्या किया करती हूँ ब्रेक पे जाने से पहले, तो अभी नहीं बताऊंगी। वक्त हुआ चाहता है कि आप एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, सो इसके बाद हमें सोच बैंड जो है ज्वाइन करेंगे। तो बाजी टेक अ ब्रेक, बाजी। शायर की गजल ढेंगा, किसी झील का कंवल ढेंगा।